बिग बॉस मेमोरी फोम। ओ भाई साहब, घर में आग लग गई। खतरनाक खतरनाक क्यों है? आग में घी डालने का काम कर रहा है ये। देख रहे, ये हिल गया और ये तो लटक ही गया था। बोलना तो समझ में आ गया, कुछ करना नहीं है, पैक कैसे करना है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो। तो ये है मेरी बाइक बेनेली TRK 502X। तो फिलहाल मैं हूँ नोएडा में। मैं कल बनारस से नोएडा आ गया था। अभी दो तीन दिन मैं नोएडा में रहने वाला हूँ, बाइक का सारा काम कराने वाला हूँ, क्योंकि भाई बहुत जल्दी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से लद्दाख के लिए, अपना लद्दाख 2.0। तो सबसे पहले आज जा रहे हैं बाइक का सीट का काम कराना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सीट। अगर सीट कम्फर्ट नहीं रहेगी, लंबी राइड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। यू आर ऑन द फास्टेस्ट रूट। तो फटाफट से निकलते हैं, टाइम हो रहा है 12:15। कल मैं चुभती हुई गर्मी में नोएडा आया था बनारस से, और फिर से यही चुभती हुई धूप में मैं जा रहा हूँ अपने बाइक के काम कराने। बट क्या करेंगे, काम तो कराना ही है, नहीं कराएंगे तो भाई बाइक लेकर जा नहीं पाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ गाजियाबाद यहाँ से, हरीश बाइक सीट कवर नाम है। धूप इतनी तगड़ी है ना भाई, जल रहा है जैसे ही धूप में आया हूँ मैं। और एक तो आज है वीकेंड, आज ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा यार जहाँ मैं जा रहा हूँ ना। बाइक को जितना खुश रखोगे, बाइक भी आपको सफ़र में उतना ही ज़्यादा खुश रखेगी। मेरा मानना तो सिंपल से यही है। लेकिन जब भी इस बाइक पर बैठते हैं ना तो भाई जो एनर्जी और जो पावर फील होता है, फिर तो ना धूप समझ में आती है ना बारिश समझ में आती है, बस निकल जाओ। कौन से गली गुची वाली रास्ते से लेके जा रहा है मुझे। कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में ये गूगल ऐसे ऐसे रास्तों से लेके जाता है कि भाई डर ही लगता है। ये देख रहे हैं सुनसान बंद पड़ी हुई फैक्ट्री, कहाँ जंगलों में लेके आ गया मुझे। गाजियाबाद के जंगलों में घूम रहा हूँ मैं। तो भाई हम पहुँच चुके हैं गाजियाबाद, ये रेलवे स्टेशन। कौन सा रास्ता है पता नहीं, गूगल लेके जा रहा है बस इतना ही पता है। अरे सीट सीट, इसके पहले आप ही बनाए थे ये सीट, अभी इसमें बहुत गड़बड़ हो गया है। ये देख रहे हैं, छू के देखिए, ये देख रहे हैं। तो यही पूरा सही करना है इसको। बाइक के सीट है, काम स्टार्ट हो गया। ये सीट ने पहले ऐसी थी सीधे, मैंने इसको कट कराया था ताकि थोड़ा हाइट इसकी वो हो सके कम। भैया यहाँ पे अपना स्टिकर निकल रहा है अमन बनारसी के नाम से। कौन सी सीट लगवा रहा? अच्छा ये सीट के बारे में बता दो। ये भैया बिग बॉस मेमोरी फोम लगवा। बिग बॉस मेमोरी फोम, चलो बढ़िया, कम्फर्टेबल होना चाहिए वरना वापस फिर से लेकर आऊँगा मैं। यहाँ पे सब फेमस है ये हरीश भाई। ये ऊपर वाली इंस्टाग्राम वाली है। घर की तरफ लगा, कोई भी तरफ लगा दो, एक साइड वो लगाना है, एक साइड वो लगाना है। अपना दोनों स्टिकर लग गया है, अमन बनारसी यूट्यूब और ये अमन बनारसी इंस्टाग्राम। मस्त लग रहा है अब। फाइनली बाइक का सारे काम तो कंप्लीट हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ विशाल बैग फैब्रिकेटर्स, जहाँ से मुझे सैडल बैग का रेन कवर लेना है। जब मैं बनारस से दिल्ली आ रहा था तो मेरे सैडल बैग का रेन कवर उड़ गया। यहाँ से है करीब करीब 16 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है 2:30 PM। धूप तो है, ये सब भी काम है जो करना तो पड़ेगा। तो अभी मैं गाज़ियाबाद में हूँ, अभी मुझे शाहदरा जाना है यहाँ से। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना सारा ट्रैफिक। तो भाई गर्मी को काटते काटते जलते हुए बस पहुंचने ही वाले हैं हम। हेलो भैया, वो से सुबह बात हुई थी ना, वो सैडल बैग का कवर, रेन कवर के लिए। हाँ हेलो, सॉरी एक चीज़ पूछ ली थी मैंने, ये देखा ये कौन सा ये लगा रखा है, इससे फ़ोन का आपका कैमरे में दिक्कत नहीं होता?
फोन के कैमरे में? हाँ, फोन के कैमरे में। ये पीछे वो लगा है स्टेबलाइजर, ये बोबो का है। अच्छा, वो सो उसकी वजह से क्या? हाँ, क्योंकि मैंने तो एक ही बार लगाया एंड इट वाज लाइक वो शेक करने लग गया था। कितने का आता है ये? आई थिंक आपको पूरा 3000 के अराउंड पड़ेगा। एटी परसेंट चीज़ें हो गई हैं, अभी एक चीज़ बनने को देना था तो दे तो दिया है, वो बोले वो ट्यूसडे को देंगे, नहीं तो देखते हैं क्या हो सकता है। ओ भाई साहब, घर में आग लग गई तगड़ा। आज का दिन ख़त्म हुआ, काम भी ऑलमोस्ट सारा हो गया। नाली बह रही है यार, छी 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 छी, नदी की तरह नाला बह रहा है ये तो। खतरनाक खतरनाक क्यों है? बड़ी है, खतरनाक तो नहीं कह देंगे, बड़ी कहते तो अच्छा लगता। ओ भाई साहब, एक तो गर्मी, ऊपर से ट्रैफिक, ऊपर से रेड लाइट, आग में घी डालने का काम कर रहा है ये। दोस्तों, और आज है नेक्स्ट डे एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो। कल भाई ये बाइक के सीट का मैं काम करा के आया, क्या ज़बरदस्त सीट लग रही है और कंफर्टेबल तो भाई बहुत सही है। पैसे लगे हैं इस पर, 3000 रुपये लगे हैं इसको बनाने में, लेकिन मस्त है। अभी बस एक ही दिक्कत है कि भाई थोड़ी हाइट बढ़ गई है, बट कंफर्ट चाहिए तो भाई हाइट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो बस अभी ये है। बाकी जब लगेज पीछे डालेंगे तो थोड़ा सा तो ये प्रेस होगा, थोड़ा नीचे तो जाएगा, और बहुत सही लग रहा है। और ये देखो आगे, कल मैंने स्टीकर भी लगवा लिया अमन बनारसी का, ये भी मस्त लग रहा है, तगड़ा है भाई ये, इस बार कुछ ज़्यादा ही। और ये देखो इधर का, ये भी बहुत सही है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बाइकर हॉलिक नोएडा, वहाँ पे मुझे लेना है अपने ये राइडिंग बूट है, इसका रेन कवर, क्योंकि भाई लद्दाख जाने वाले हैं। तो लद्दाख में क्या होता है, वाटर क्रॉसिंग मैंने जैसा कि मेरा जूता देखे लास्ट टाइम जब मैं लद्दाख किया था, उस टाइम भाई मतलब घंटों तक वो गील जूतों में मुझे राइडिंग करना था। मैं इस बार अपने राइड में अवॉइड करना चाहता हूँ, तो बस उसके लिए मैं जा रहा हूँ बाइकर हॉलिक नोएडा, जो यहाँ से कुछ 10 से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हम लेंगे अपना रेन कवर। और अभी देखो टेम्परेचर हो रहा है 38 डिग्री सेल्सियस, एक्सेसिव हीट की वार्निंग भी है और हाई 42 तक जाने वाला है। टाइम हो रहा है 11:30, रोज मुझे लेट हो रहा है। प्लान तो यही करता हूँ भाई मैं जल्दी निकलूँ, बट यार हो नहीं पा रहा जल्दी, सुबह उठ के बस डिसाइड करने में टाइम लग जा रहा है कि भाई आज क्या करना है। चेन ल्यूब और चेन क्लीन भी करना होगा, 800 किलोमीटर बाइक चला लिया, करेंगे इसको कल परसों में। सीट का काम कराया भाई, मज़ा ही आ रहा है अब तो। बाइक बिल्कुल गंदी हो चुकी है, आज संडे है लेकिन लोग देख रहे हैं कितने कम है बाहर, धूप की वजह से भाई लोग कोई बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। और ये रेड लाइट क्यों पड़ती है यार, इतने धूप में रेड लाइट कौन फॉलो करता है? ओह सिर्फ 15 सेकेंड है, 10 सेकेंड कहीं पर रुकना, मतलब पसीने से नहा लो बिल्कुल, उस हिसाब की गर्मी पड़ रही है अभी भाई। ऐप में ऑटोमेटिकली मेरी सेटिंग है, जैसे ही मोबाइल ओवरहीट होगा ये डार्क मोड चला जाएगा, लो बैटरी कंजम्प करेगा ताकि मोबाइल को ओवरहीट से बचा सकूँ। पिक्सल में बड़ा सही सिस्टम है यार ये। आई थिंक बस ज़्यादा दूर नहीं है, 9 मिनट और दिखा रहा है, फटाक से पहुँचा जाए। फाइनली पहुँच गए। ओ भाई साहब जल गया हूँ एकदम धूप में। कहाँ गए? तो मैं हूँ बाइकर होलिक के सर्विस सेंटर पे, और यहाँ पे सही करा रहा हूँ अपनी बाइक की लाइट। ये देख रहे, ये हिल गया और ये तो लटक ही गया था, इसको सही कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइनली निकल रहे हैं इतनी सारी धूप में। ओके, तो फाइनली बाइकर हॉलिंग नोएडा से तो मैं निकल गया, लेकिन जो काम के लिए आया था वो मिला नहीं। मैं सोच रहा था कि अपना राइडिंग बूट्स का एक वाटरप्रूफ कवर ले लूँगा, वो नहीं मिला। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, कहाँ पे मिलेगा राइडिंग बूट्स का राइडिंग कवर। सोच रहा हूँ ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ या करोल बाग में मिलेगा, करोल बाग जाऊँ लेने की ना जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत तेज़ धूप है भाई। फाइनली वापस आ चुके हैं, और काम तो हुआ नहीं, बस धूप में आना जाना हो गया। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है मेरी लद्दाख राइड की, अभी बस बचा है तो वो बाइक की सर्विस कराना, जो मैं कल कराऊंगा और फिर निकल जाऊंगा। तो देखते हैं, अगर वीडियो छोटा रहा तो इसी में आगे कंटिन्यू करूंगा, ये बड़ा। तो भाई
अलग वीडियो बनाऊंगा उस पर। तो बाइक की सर्विस करानी है बस, और निकलना है अब लद्दाख के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू डे। तो भाई आज है मेरा दिल्ली में तीसरा दिन और आज मैं जा रहा हूँ फाइनली अपनी बाइक को सर्विस सेंटर लेके। टाइम हो रहा है दोपहर के 11 और धूप बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, बट क्या करें, काम भी है तो काम तो कराना ही पड़ेगा। तो बस फटाफट से सर्विस सेंटर चलते हैं, काम कराते हैं बाइक का कंप्लीट और फिर निकलते हैं यहाँ से लद्दाख के लिए। ओ हो, अबे टाली कौन खड़ा करता है बे, अब टाली चलाना पड़ेगा मुझे। लेट्स गो, करते हैं दिन की शुरुआत। हो गर्मी गर्मी गर्मी, फटाफट से पहुंचो सर्विस सेंटर। बस प्लान यही होता है, अभी इतनी धूप है ना, बस एक ही चीज़ मन करता है, जहां जाना है वहां फटाफट से पहुंचो, दैट्स इट, और कुछ मन नहीं करता। लोकेशन है पहुँच जाओ, यही इम्पोर्टेंट है। ये है गौर चौक, और भाई एक्सटेंशन पे जो रहते होंगे नोएडा एक्सटेंशन पे, वो तो जानते होंगे जगह को अच्छे से। और ये है गौर सिटी मॉल, इस जगह को बनाया ही गौर ने है, गौर सिटी बनाई थी उन्होंने पूरी। आई थिंक 17th या 18th एवेन्यूज है। इस जगह की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे अब फ्लैट्स करोड़ों में मिल रहे हैं भाई। कुछ सालों में आई थिंक ये भी गुड़गांव जैसा पूरा बन जाएगा हब। गौर ने अच्छा पैसा छापा इधर। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भाई सर्विस सेंटर। और भैया कैसे हैं भाई? अपनी बाइक मैंने यहाँ सर्विस सेंटर में दे दी है, अभी टाइम लगेगा बाइक लगने में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक बाइक लगी हुई है, इसके बाद मेरा नंबर आएगा। बाइक अपनी सर्विस के लिए दे दी है हमने, और अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ से डी कैसल, वहाँ से मुझे लेना है 10 ब्रेक। तो सोचा कि यार बाइक सर्विस हो गई, 2-2.5 घंटे लगेंगे, तब तक चलते हैं डी कैथलॉन, वहाँ से लेते हैं 10। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ डी कैथलॉन, और ये सामने है डीकैथलॉन, चलते हैं देखते हैं टेंट। और डीकैथलॉन मेरा तो फिर मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, सब कुछ ले लो डीकैथलॉन से। भाई यहाँ तो पूरा सेक्शन ही मस्त लग रहा है, मन कर रहा है सब कुछ उठा लो धीरे धीरे, कुछ भी मत छोड़ो, एक एक कपड़े मतलब बस ले लो सब, नहीं सब कुछ ले नहीं सकते हैं, तो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जो लेने आए उस पर फोकस करते हैं। हाँ ये तो समझ में तो आ गया, खुलना तो समझ में आ गया, कुछ करना नहीं है, पैक कैसे करना है अंदर ना, वो देखो अंदर एक लूप है। हाँ लाइट कलर का, ये बाहर खींचोगे ना जब ये सर्कल आ गया। अच्छा ये हो गए, उसके बाद ना इसको सेंटर से पुश करना है, और ये 8 बन गया। अब 8 बनने के बाद इसको ऐसे बंद करना है, ठीक है? बस अब ये लगा दो, पैक हो गया। ये रहा टेंट मेरा, थोड़ा बड़े साइज का है, बट कोई नहीं, लेके चलते हैं, देखते हैं इसको बाइक में कैसे फिट करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज है नेक्स्ट डे एंड फाइनली अपनी बाइक पूरी रेडी हो गई है। मैं सर्विस सेंटर से बाइक को ले आया हूँ, और अपना टेंट का सामान तो आ ही गया था, अभी बस एक चीज़ आना रह गया है, वो है अपना वही राइडिंग बूट का रेन कवर, जो कि आज डिलीवर हो जाएगा। मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था, अगर आपको ये परचेस करना है तो लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। कल या परसों मैं निकल जाऊँगा यहाँ से लद्दाख के लिए। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा यहाँ से मेरा मनाली तक का, या जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, पहली बार देख रहे हो भाई, गर्मी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो एक तो पंखा बंद करके ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और पंखा बन के वीडियो बना रहा हूँ, और दूसरा बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मज़ा आने वाला है, ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है पक्का।